नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जो अखबार इस वक्त मेरे हाथ में है उसको देखकर राजनीति सियासत आपको समझ में आ जाएगी। कल सोनिया गांधी के बयानों का दर्द आपको समझ में आएगा। कल आपको ये समझ में आ जाएगा कि दरअसल एक तरफ खड़गे साहब जहां जिम्मेदारियों को निभा रहे थे उसके पीछे सोनिया गांधी के रोने की वजह क्या, क्यों खड़गे साहब भावुक हो गए। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कल 24 से 25 सालों के बाद कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल गया, उनकी जिम्मेदारियां वो निभा लिया और चुनौतियों का पहाड़ हम लगातार SPN न्यूज़ के माध्यम से आप दर्शकों को बताते रहे। लेकिन इस बीच में सबसे अहम बात यह है कि अशोक गहलोत का रोल अदा किया रहेगा। क्या वो इस्तीफा दे देंगे, क्या वो खुद जिम्मेदारियों को समझते हुए सचिन पायलट की तरफ जाएंगे, क्या उसको मनाने की कोशिश करेंगे, ये तमाम अहम सवाल है जिसका जवाब अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस बीच में देखिए, कल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की तो हमें समझ में ये आया कि उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने समझाया कि देखिए, ये जो मीडिया दिखा रही है या जो आप लोगों के मन में शक है, क्यास है, दरअसल वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों के बीच में नाराज़गी है, अंतर्कलह है, सब कुछ ठीक है, यानी कोई नाराज़गी खबर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि भाई कितना छुपाएंगे आप, जो हम सब और आप देख रहे हैं उसे आप मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना, ये भी एक सच्चाई है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 2019-20 में ना हो पाया वो भूचाल अब हम सबको फिर 2022 के बाद यानी कि 23 के शुरुआती दौर में देखने को मिलेगा, जब राजस्थान में चुनावी जो विधानसभा चुनाव के बिगुल फूकेगा तब। और वो इसलिए क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है वो जिद की लड़ाई है, उन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो गुरूर की लड़ाई है। और इसमें अशोक गहलोत ने भाई फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट को लतार दिया, उनको ठुकरा दिया और किससे वो CM पद को नहीं छोड़ा। इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या सचिन पायलट का सपना पूरा भी हो सकता है। अब सोच के देखिए कि अशोक गहलोत बनी बनाई विरासत को कैसे सचिन पायलट के हाथों में दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि खड़गे आगे आकर क्या कुछ फैसला लेते हैं, देखना होगा कि कांग्रेस का राजस्थान में क्या कुछ होने वाला। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।